21 जैन को चल रही थी जोरों शोरों से भंडारे की तैयारियां और लगे हाथ हम लोग भी भीड़ में चले गए प्रसाद लेने के लिए। सब क्या देखना पड़ रहा है। कड़ी मेहनत के बाद हम लोग आ चुके हैं प्रसाद लेकर। The next day। जय श्री राम। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि राम आ रहे हैं, तो चलो हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और वैभव और चाचा भी आ चुके हैं राम तिलक लगाकर। और वैभव को देखो, छोटू सा हनुमान भगवान लग रहा है। उसके हाथों में छोटू सा गदा भी है जो कि उसने कृष्णा के सिर पे मार डाला। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं राम भगवान की रैली में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये रैली राम भगवान को समर्पित है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये सब कुछ। और हमारे बाहर का भी आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर से सजाया गया है। और ये रहा वैभव जो कि बहुत ज़्यादा क्यूटू सा लग रहा है। उसके हाथों में झंडा भी है। ठीक है, और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डांस, क्योंकि अयोध्या तो जा नहीं सकते, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना इधर ही डांस कर लेते हैं। ठीक है, राम भगवान के अयोध्या आने की खुशी में हम लोगों ने भी किया रैली में बहुत अच्छे से डांस, और हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और शाम को हम सभी लोग निकल पड़े बाहर का सारा माहौल देखने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर सी डेकोरेशन की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली आ गई है। ऐसा लगता है इस साल में दो दो बार दिवाली बनने वाली है। ओके, सो हाय दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। एंड अभी हम लोग जला रहे हैं दिए वगैरह, तो चलो जलाते हैं। एंड तैयार हो रही है क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज है। जब हम लोगों ने सुना तो हम लोग सरप्राइज हो गए थे। राम भगवान के अयोध्या आने की खुशी में हम सभी लोगों ने दिवाली बनाई थी और दिए भी जलाए थे, और दिए भी जलाकर हमारे घरों के बाहर में रखे थे। दोस्तों से चलो चलते हैं नीचे, और बहुत सारे आप सभी लोगों को मैं दिखाती हूँ कि वो क्या है सरप्राइज। और आप लोग हमारी गली भी देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे से दीपकों से सजी हुई है। और ये रहे हमारे बड़े चाचा, इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने घर के नीचे सजाया हुआ है, और बहुत सारे डीजे वगैरह भी लगाए हुए हैं। और जो हमारे कजन्स हैं उन्होंने राम और सीता जी का भी लुक लिया हुआ है। एक तरीके से हम लोग इसे रामलीला भी बोल सकते हैं। ये रही हमारी सीता जी। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है धनुष। तो अभी आने वाले हैं राम और सीता, तो अपना दिल थाम कर बैठिए। आप लोग को इन सीता और राम का लुक कैसा लगा? तो 1, 2, 3 एंड येलो, आ गए हमारे राम और सीता। आप लोगों को ये कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है सभी जगह में, और बहुत ज़्यादा हमको तो अच्छा लगा था। और एक तरीके से यहाँ पर राम लीला ही हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छे से एंजॉय करने के बाद में हम लोग चले गए घर पर डिनर करने के लिए। कुछ समय पश्चात दोस्तों, अभी हम सभी लोगों ने कर लिया है डिनर, और डिनर में बने थे दाल और चावल जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और अभी हम लोग वहाँ से भी आ चुके हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, और उस वजह से वीडियो भी बहुत ज़्यादा ऐसे डूब लेती है ऐसे। ठीक है, और कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से चलते हैं ऊपर। हम लोग जो स्काई शॉट और बहुत से जो पटाखे लाए थे वो भी जल्दी से जला देते हैं, तो चलो चलते हैं ऊपर। हम सब लोग जा रहे हैं ऊपर, और मम्मी ने कृष्णा को जैकेट भी पहना दी है क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा लाइक ठंडी होने वाली है ना, तो कृष्णा ने जैकेट भी पहन ली है। और चलो, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे टेरेस पर, और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से कितने सारे फायरवर्क हो रहे, पटाखे फूट रहे हैं, एकदम दिवाली सा माहौल बन चुका है। और हम लोग तो पटाखों की आवाज़ में डांस भी कर रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े। सबसे पहले हमने फोड़े 30 स्काई शॉट। ठीक है, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, जब आसमान में स्काई शॉट सारे फूट रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक एकदम आसमान में ना कलरफुल हो चुका था। और फिर ना स्काई शॉट सारे फूटने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रॉकेट फोड़ते, क्योंकि हमारे पास एक रॉकेट था। तो हमने क्या किया ना,
रॉकेट को ना लगा दिया तो वो फंस गया वहाँ पर, और जब हमने जलाया ना तो वहीं पे ही वो फूट गया। और भाई हमारे सब के हालत इतने ख़राब हो गए थे ना कि हमारे पे कुछ चिंगारी विंगारी ना लग जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और बाय द वे आप सभी लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कैसे दिवाली सेलिब्रेट की और कैसे राम जी का स्वागत किया। और हम लोग अभी सोच रहे थे कि हम लोग जलाएंगे चरखरी, बट हम लोगों ने यार जलाई नहीं, ठीक है। और ये देखो यार कैसे रॉकेट फूटा, सभी लोगों के दिल में हार्ट अटैक आ जाता, ठीक है। देन उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जलाएंगे फुलझड़ियाँ, बट हम लोग फुलझड़ी नहीं जला पाए क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रहे थे बट फुलझड़ी जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, नीचे जाके फुलझड़ी को जलाएंगे। एंड या अभी हमारे पटाखे हो चुके हैं ख़त्म, और कुछ इस तरीके से हमने मनाई दिवाली, और कुछ इस तरीके से हमने राम जी का स्वागत भी किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप लोगों ने कितने पटाखे फोड़े। दिवाली भी बना ली है, और तो और आज बहुत ज्यादा फन किया हम सभी लोगों ने, लाइक बहुत ज्यादा फन किया, भंडारा भी खाया, पीला भी देखी हम सभी लोगों ने, और पटाखे भी फोड़े। दिवाली तो अभी भी बन रही है। हाँ, और वैसे दिवाली तो अभी भी बन रही है। सो या दैट इज फॉर टुडेस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर